ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद एयरलाइंस नई फ्लाइट शुरू करने पर जोर दे रही है, फिर भी हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और 10 अक्टूबर तक एविएशन का यही लीन सीजन जारी रहने की संभावना है। कई फ्लाइट्स में 50 यात्री भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कारण एविएशन सेक्टर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले फ्लाइट्स में जितना यात्री भार था और जितनी संख्या में फ्लाइट संचालित हो रही थी, मौजूदा समय में उसके मुकाबले 40% संचालन भी सुचारू नहीं हो सका है। फ्लाइट्स के संचालन को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस लगातार प्रयास कर रही हैं। इस महीने अब तक 6 नई फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं और इनमें 3 फ्लाइट श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद 2 दिन में शुरू हुई हैं। एयरलाइंस द्वारा लगातार फ्लाइट बढ़ाए जाने के बावजूद यात्रियों को उतना बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि कई फ्लाइट्स यात्रियों की कमी के चलते खाली उड़ान भर रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से शनिवार को कुल 31 घरेलू फ्लाइट्स ने उड़ान भरी है। बेंगलुरु हैदराबाद के लिए रविवार से और कोलकाता के लिए शनिवार से नई फ्लाइट शुरू हुई है। अचानक फ्लाइट शुरू करने से यात्री भार की कमी रही। आमतौर पर एयरलाइन एयरबेस 320 या बोइंग 737 विमान संचालित करती हैं, जो कि 180 यात्रियों की क्षमता के होते हैं, लेकिन इन दिनों कई फ्लाइट ऐसी उड़ान भर रही हैं जिनमें 50 यात्री भी सफर नहीं कर रहे। आइए आपको बताते हैं कि शनिवार को कौन सी ऐसी फ्लाइट रही जिनमें यात्री भार बहुत कम रहा। स्पाइस जेट की कोलकाता जयपुर फ्लाइट में आए 41 यात्री, एयर एशिया की बेंगलुरु जयपुर फ्लाइट में आए 29 यात्री, गोयर की जयपुर कोलकाता फ्लाइट में आए मात्र 25 यात्री, एयर इंडिया की बेंगलुरु जयपुर फ्लाइट में आए मात्र 22 यात्री, एयर इंडिया की जयपुर बेंगलुरु फ्लाइट में आए मात्र 35 यात्री, स्पाइस जेट की जयपुर कोलकाता फ्लाइट में आए मात्र 21 यात्री, एयर इंडिया की दिल्ली जयपुर फ्लाइट में आए मात्र 22 यात्री, एयर इंडिया की जयपुर दिल्ली फ्लाइट में आए मात्र 40 यात्री, एयर इंडिया की हैदराबाद जयपुर फ्लाइट में आए मात्र 49 यात्री, तो वहीं एयर इंडिया की जयपुर अहमदाबाद फ्लाइट में मात्र 46 यात्री गए। इंडिगो की जयपुर इंदौर फ्लाइट में 40 यात्री गए हैं। स्पाइस जेट की जयपुर अमृतसर फ्लाइट में मात्र 9 यात्री गए हैं। कम यात्री भार की यह समस्या 10 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। हालांकि एयरलाइंस ने इन दिनों हवाई किराए की दरों में कमी की हुई है, लेकिन इसके बावजूद एयरलाइंस को पसंदीदा यात्री भार नहीं मिल पा रहा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, उससे पहले ये यात्रियों का आवागमन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर से यात्री भार में उछाल देखने को मिलेगा। उसके बाद दिवाली तक एयरलाइंस के लिए अच्छा सीजन रहने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि दिवाली तक पिछले साल के मुकाबले 60% तक फ्लाइट संचालन और यात्री भार पहुंच सकेगा। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।